हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सर आप जो है फ्राइडे के सेशन के अंदर वीडियो क्यों नहीं डालते। देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्राइडे का जो सेशन होता है उसके बाद जो अगला सेशन होता है वो मंडे को होता है। तो समय की उपलब्धता के हिसाब से अगर मेरे पास फ्राइडे को टाइम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्राइडे को ही वीडियो बन जाए। तो सर आपने कल सैटरडे में भी नहीं बनाई, ठीक है जी। तो मैंने कहा ना कि समय की व्यस्तता के साथ साथ जो है हमारे का देखिएगा जो विज़न है ना वो तो आपके सामने आ ही जाता है, चाहे वो फ्राइडे को आए चाहे सैटरडे को चाहे संडे को, यानी कि मार्केट खुलने से पहले मैं चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर दिल्ली से बाहर चला गया हूँ या किसी और कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तो ऐसी सिचुएशन में, नहीं तो मैं जो है आपके साथ एक वीडियो शेयर कर लेता हूँ। दूसरा, जो कुछ सब्सक्राइबर लग रहे हैं सर आप वीडियो बहुत कम बनाते हैं, देखिएगा मुझे लगता है मैं कम नहीं बनाता, काफ़ी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि डेली बेसिस पर आपके साथ चर्चा कर ही लेता हूँ। सर आप कुछ ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते जो ज़्यादातर मीडिया में चल रही होती हैं और हम उसके ऊपर आपकी राय सुनना चाहते हैं। देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया में चल रही होती हैं, हज़ारों कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो मैं हज़ारों कंपनियों को तो ट्रैक भी नहीं कर सकता। और हालांकि मैं एक काफ़ी बड़ी नंबर्स हैं जिनको ट्रैक करता हूँ, लेकिन फिर भी सारी कंपनियों को पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो वैल्यूशन वाइज बहुत ही अनरीजनेबल हैं, तो वो चर्चा भी जो है रहती है। जो अल्फा मेंबर्स है उनकी शिकायत रहती है कि सर आप स्टॉक फॉर द मंथ जो है महीने के एंड में लेके आते हो, बहुत बार कभी स्टार्टिंग में ले आते हो, कोई बीच में। तो देखिएगा, मैं परिस्थितियों के हिसाब से आपके साथ बात करता हूँ। मुझे लगता है कि जो स्टॉक फॉर द मंथ है उसका भाव भी उस समय पर थोड़ा सा अच्छा हो तो मैं वीडियो उस समय बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आज जो अल्फा मेंबर्स उनको बता दूँ, स्टॉक फॉर द मंथ की वीडियो आज आपके फोरम के ऊपर आएगी। उसके बाद है कि सर आज जो वीडियो आप बना रहे हैं इसका शीर्षक क्या है? देखिएगा, ये स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की वीडियो है, लेकिन ये हम बाद में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करते हैं आज जो पॉलिटिक्स और मार्केट दोनों का कम्बिनेशन बनाती है। यानी कि आप ये कहें कि जी पॉलिटिक्स के बगैर शेयर बाजार चलता है या पॉलिटिक्स का इफेक्ट नहीं होता, तो वो तो सब लोग जानते। 4 तारीख को क्या हुआ था? तो 4 तारीख को जिस तरीके का सेल ऑफ था, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा ऊपर से एक जो हैमरिंग या सेल ऑफ होते हुए देखा होगा। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि उनके पोर्टफोलियो किस तरीके से हिल गए थे। लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं वही इंडेक्स ही जो है 7-8% जो है कमज़ोर हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर वो सेलिंग थी। तो जो लोग बोल रहे थे कि जैसे मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि अगर मोदी जी नहीं आए तो बाजार 10% टूट जाएगा, तो वो तो एक ही दिन का नज़ारा था। और अगर मोदी जी नहीं आते, प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो मैं 10% तो कंजर्वेटिव बोल रहा था, हाई से मैं 20% भी इंडेक्स लेवल पर कमजोरी देख रहा था। तो क्या सर वो बाजार टूटता रहता? नहीं, टूटता तो नहीं रहता। बाद में जब नई सरकारें बनती तो वो कुछ रिएक्शन होता, फिर उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से बाजार चलते। लेकिन एक बार तो जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो उसकी बैंड बजा देते हैं और जो कमाया धमाया पैसा है वो निकाल लेते हैं। बहुत लोगों ने उस दिन भी बहुत भारी नुकसान किया होगा, बट मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स थे उनको पता था कि इस तरीके की वोलेटिलिटी आ सकती है और नीचे दब के जो है पुट सेलिंग जो है, जैसे हमने तो पुट सेलिंग की और बहुत लोगों ने माल उठाया। तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि यार वो मेरे ऐसे शेयर्स जो मेरे लेवल पर आ गए थे वो मैं नहीं खरीद पाया, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई मैं ट्रेडर था तो मैं वहाँ पे बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा बिजी था कि भाई हमने शेयर्स के ऊपर, मैंने कहा अगर बाजार नहीं उठा तो कल देखेंगे। तो स्पेशली मैं मार्क्स एंड फार्मा की बात कर रहा हूँ आपके साथ, जो 133-135 रुपये के आसपास के भाव जो है उस दिन लगाए थे, तो वो बाद में मैंने देखे। तो हो सकता है कि वहाँ पे अगर मार्क्स एंड फार्मा जाता तो मैं कुछ ना कुछ एक्युमुलेट करता वहाँ पे। और कुछ ऐसे और भी शेयर्स हैं, तो एक चर्चा आपके साथ कर ली यहाँ पे। अब सर आज क्या होने वाला है? आज मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, तो शाम को शपथ ले लेंगे। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर अब तो सोमवार को बाजार बहुत तेज रहेगा। देखिएगा, बाजार की तेजी या ना तेजी का तो मैं अभी आपको अगली वीडियो में चर्चा करूँगा, बट हाँ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर है और बड़े प्लेयर्स बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं
आप देखो जिस दिन सो एग्जिट पोल पे जो बाजार चला, और एग्जिट पोल वाले दिन ही शाम को मैंने वीडियो में क्या कहा कि जो एग्जिट पोल में डेटा आ रहा है उतनी सीटें गवर्नमेंट नहीं जीतेगी, उससे 10 से 20% सीटें एनडीए को कम आएंगी। तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं सर, ऐसा थोड़े ना होता जब एग्जिट पोल में तो इतना सर्वे लिया गया। तो देखिएगा, मैंने जो भी एनालिसिस किया था तो बहुत सारी जो हमारे पास इनपुट्स थे, उन इनपुट्स को बहुत सारी वीडियोज़ हमने देखी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमने सुने, और बहुत सारे लोगों के बारे में और पुराने जो एक्सपीरियंस थे हमने जो थे उन सबको देखते हुए हमने एक जो व्यू निकाला था। और यहाँ देखिए बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित है वो गलत हो गए, तो हम तो फिर भी बाजार की बात करते हैं। और अब बात ये कि सर मोदी जी की सेरेमनी के बाद क्या होगा। हाँ, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आप सोच रहे हो, बट मैं ये कहता हूँ बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। तो जो सोमवार को, पिछले सोमवार को बाइंग आई और उसके बाद जो सेल ऑफ देखा, तो वो तो वहाँ भी पता था कि अगर 240 सीटें जीत रहे थे सरकार तो यही बनाएंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा कि आपके मन में इतना बड़ा डर भर दिया जाता है, और मैं ये कहता हूँ डर के आगे जीत है और लालच के आगे हार। तो डर के आगे जीत है, शेयर बाजार में जब गिरता हुआ बाजार हो तो आपको हिम्मत जुटानी चाहिए। और जैसे मैंने भी आपको कहा कि मैंने बैंक निफ्टी में जबरदस्त पुट जो है सेल की थी, मुझे लग रहा था कि भाई यहाँ से तो बाजार रिकवर करेगा, और वो जो कॉन्फिडेंस था वो केवल और केवल अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आ रहा था। अब बात है कि यहाँ पर मार्केट एट लाई फाइव, तो सर क्या वो एक्सपीरियंस आ रहा था? हाँ, अगर आप चार्ट देखते उस समय पर इंट्राडे के तो आप खरीद ही नहीं सकते थे, सच में बात। तो हम चार्ट को देख के थोड़ी ना खरीद सकते थे, चार्ट तो आपको नेगेटिव दिखा रहे थे कि ऊपर से इतनी बड़ी हैमरिंग हुई है, अभी और सेल ऑफ हो सकता है। अब मार्केट एट लाई फाइव, मार्केट एट लाई फाइव तो है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से सर हमें बहुत भयंकर तेजी लग रही है भाई। देखो टीवी चैनल ज़्यादा सुनोगे ना तो हमेशा बुलिश रहोगे, ठीक है? और बुलिश लोगों का क्या होता है वो मैं बता दूँ। जब मंगलवार को माल बिकने के लिए आया है ना, तो जितने सुपर बुलिश लोग थे ना उनके जेब में पैसा ही नहीं था, उनकी जेब में पैसा ही नहीं था खरीदने के लिए, क्योंकि जो सुपर बुलिश थे। लेकिन हमारा, मैंने आपको बताया कि हमने बड़े कॉन्फिडेंटली जो है पुट बेची थी, और मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास के साथ कि भाई मैंने जब मंडे को तेजी हुई थी, तो क्योंकि ब्रोकर के फ्रंट पे भी जो है मार्जिन की बहुत बड़ी डिमांड कर दी गई थी, और मुझे समझ में आ रहा था कि भाई मार्जिन इतना बचा के रखना है कि इलेक्शन वाले दिन ट्रेड जो है कंफर्टेबली कर सके, क्योंकि मार्जिन लगभग डबल हो गए थे और बाजार का लेवल हाई पे हो गया था। तो मैंने कॉन्ट्रा व्यू ली थी अपनी तेजी की पोजीशंस, क्योंकि 49,500 की पुट बेच रखी थी मैंने उस समय पर, और बाजार जो है 51,000 चला गया था, और 49,500 की भी जुलाई एक्सपायरी की पुट भी की हुई थी। तो अल्टीमेटली हमने वो पुट कवर कर ली थी उस समय पर, सॉरी जून एक्सपायरी की भी की हुई थी, जून एंड की, क्योंकि मई चल रहा था और मई से जून में आया था, क्योंकि वो बेची मई के अंदर ही थी, वो मई में ही बेच दी गई थी, तो वो मई एक्सपायरी सॉरी मई के अंदर जून एक्सपायरी की थी 49,500 की। और वहाँ पर पहले क्योंकि वो जब बेची गई थी उसके बाद इंडिया विक्स लगातार बढ़ता रहा और हम और बेचते रहे, और हमारी कॉल भी बिकी हुई थी 49,000 की। तो हमने 49,000 की कॉल तो हटाई नहीं और पुट हटा ली थी, और उसके अलावा हमारे फ्यूचर जो शॉर्ट थे वो भी थे। तो इस तरीके से, और हमने जो पुट खरीद रखी थी 47,000 की, 48, 49 की, क्योंकि हम हेज भी लेते हैं, क्योंकि 49 अगर टूटने लगा तो फिर उसको हम कैसे करें, तो हमने पुट भी छोड़ दी थी कि भाई, और पुट जो कवर कर रखी थी। तो अल्टीमेटली 2 दिन बहुत बढ़िया रहा, और रीजन दोनों दिन जो है हम अगेंस्ट द टेक्निकल पैरामीटर्स खेले, अगले दोनों दिन हम जो है टेक्निकल्स के अगेंस्ट खेले, और फंडामेंटल को हम छोड़ दें तो उसको भी हमने नहीं देखा एक बार, और हमने ये देखा कि हमारी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पुराने अनुभव है वो कैसे रहे। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब जब आप ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी बड़ी सीख आपको मिल रही है उसको लिख लीजिए, वो कभी ना कभी आपको भविष्य में आपको फायदा देती रहेगी। और सबसे खास बात, मैंने पिछले जब इलेक्शन रिजल्ट के आउटकम थे, मैंने किसी भी बिजनेस चैनल को उस समय पर पिछले 8-10 दिन बिल्कुल भी देखा नहीं, क्योंकि मैं ये मानता था कि मैं किसी भी तरीके से अपने आप को प्रभावित नहीं होने दूंगा। हालांकि उस समय पर मैंने जो पॉलिटिकल न्यूज़ थी या पॉलिटिकल एनालिसिस थे वो जरूर से जरूर जो है
उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो जो पास्ट है, पास्ट एक्सपीरियंस कैसे प्ले करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ना टेक्निकल चल रहा था उस समय, ना मैंने टेक्निकल सोचा, ना मैंने फंडामेंटल सोचा। फंडामेंटल हालांकि मेरे दिमाग में था कि भी किस वैल्यूएशन पे चल रहे। और आप लोग जानते हैं जैसे भी जिन शेयर्स में फंडामेंटली कमजोरी होती है, मैं वहाँ पे बॉटम फिशिंग करता हूँ। और ये आप अनुभव आपने देख लिया दोनों, HDFC बैंक के अंदर भी और कोटक बैंक में भी, और दोनों जगह हमें बहुत शॉर्ट पीरियड्स के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स आए। तो अल्टीमेटली जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से। तो अगर आपके भी ऐसे अनुभव है कि आपने ना टेक्निकल और ना फंडामेंटल और पास्ट पे एनालिसिस से या पास्ट के अपने एक्सपीरियंस से कुछ ट्रेड लिए तो जरूर बताना, और उनका अनुभव कैसा रहा। और जिन्होंने टेक्निकल सेटअप पे लिए वो भी जरूर बताइएगा। और फंडामेंटली जो लोग सोचते हैं और उन्होंने फंडामेंटल बेसिस के ऊपर, जब इस तरीके के, मैं फंडामेंटल बेसिस पे ट्रेड लेने की बात कर रहा हूँ, अगर लिए तो जरूर से जरूर अपने अनुभव जो है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि भाई जो मार्केट है वो किस तरीके की हमें लग रही है आने वाले अगले हफ्ते के दौरान, और मोदी जी के शपथ ग्रहण के बाद किस तरीके से बाजार रिएक्ट कर सकता है। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, और किसी भी तरीके की बाई या सेलिंग अगर आप करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज सलाह लीजिएगा। और मेरे को ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं, मैं केवल और केवल आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या साझा कर रहा हूँ। अगर आपके भी कुछ अनुभव हैं तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।